राष्ट्रीय हिंसा मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। काउंटर एफिडेविट के लिए महाधिवक्ता ने समय मांगा है। 8 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो रांची हिंसा मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और महाधिवक्ता ने काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय मांगा है। 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। आदेश पारित किया गया था माननीय न्यायालय, उसमें था कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो कैसे इस तरह का इंसिडेंट हुआ इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस पर माननीय न्यायालय के समक्ष जो है उन्होंने एफिडेविट फाइल करना था और रिपोर्ट उनका कहना था कि एक रिपोर्ट हम सबमिट करें। तो दोनों चूंकि इनकम्प्लीट था अभी नहीं हो पाया है इसलिए उन्होंने समय का मांग किया। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है इनको समय दे दिया जाता है और माननीय न्यायालय ने इसको 8 तारीख को रखा है। लेकिन इसमें जो पूर्व में आदेश दिया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें था कि इंटेलिजेंस इनपुट था कि नहीं, इंटेलिजेंस इनपुट था तो उस पर क्या कार्रवाई हुई और कौन कौन से मैंने जो हम लोगों ने जो दाखिल किया था PFI और SDPI उसके बारे में भी उन लोगों को जो काउंटर फाइल करना था अभी तक उन्होंने किया नहीं है उसकी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज उसकी वो फाइल करेंगे लेकिन नहीं हो पाया। अब उसकी सुनवाई 8 तारीख को होनी है, उसके पहले उनको फाइल करना है ऐसा माननीय न्यायालय के समक्ष आज आदेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।